रामायण काल के वरदान एवं श्राप कहानी में आप सभी का स्वागत है। वरदान या श्राप मिलने जैसी कहानियाँ वर्षों से भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। किसी की भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं या ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्य को वरदान दिया जाता था। क्रोधित होने पर श्राप देने जैसी प्रथा भी इसी समाज का हिस्सा थी। यह सभी तथ्य रोचक जानकारी से भरपूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत युग ऐसे दो युग हैं जिनमें विस्तृत मात्रा में वर एवं श्राप संबंधित कथाएं मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ कथाओं की सूची प्रदान करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले श्राप से जुड़ी कहानियों से। राजा दशरथ को मिला श्राप। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवा अवस्था में थे तो उन्हें शब्द भेदी बाण विद्या का ज्ञान प्राप्त था। यह एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से बंद आँखों से भी केवल एक आवाज़ सुनने से सही निशाने पर बाण चलाया जा सकता था। इस विद्या का प्रयोग राजा दशरथ द्वारा जंगल में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। एक दिन वे शिकार के मकसद से जंगल में गए। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। वे सरयू नदी के निकट पहुँचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्द भेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को नदी के किनारे दर्द से तड़पते हुए पाया। दरअसल दशरथ द्वारा चलाया गया बाण उस युवक को लगा था, जिसका नाम श्रवण था। उसने जैसे ही राजा को देखा तो वह बोला, तुम एक राजकुमार हो, फिर भी तुमने एक जानवर की तरह मेरा शिकार किया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने नेत्रहीन एवं वृद्ध माता पिता के लिए पानी लेने आया था। उनका मेरे बिना और कोई सहारा नहीं है और तुमने मुझे ही मार दिया। जाओ, अब मेरे माता पिता को तुम ही मेरे मरने की खबर सुनाओ। यह सुन राजा दशरथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ श्रवण के माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। कुछ हिम्मत एकत्रित कर उन्होंने श्रवण की मृत्यु की खबर उन्हें सुनाई। यह खबर सुन श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार आज अपने पुत्र की मृत्यु से मैं तड़प रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों से अलग हो जाओगे और उनके वियोग में मर जाओगे। इस श्राप ने वर्षों बाद अपना असर दिखाया। जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए और उनके पीछे से राजा दशरथ का राम से बिछड़ने के कारण स्वर्गवास हो गया। अगली कहानी भी रामायण युग से जुड़ी है। श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था। वह अप्सरा बाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम के बाण द्वारा बाली की मृत्यु हो गई। बाली को मरा हुआ देख उसकी पत्नी तारा ने
श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी जो कि बाली का ही रूप था उसी के द्वारा किया गया था। अगली कथा भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के जीवन की है, जब वे बाल्यावस्था में थे। माना जाता है कि हनुमान बचपन में काफ़ी शरारती स्वभाव के थे। हद से ज़्यादा उछल कूद और नासमझी में तपस्या में लीन साधुओं को परेशान करना उनका शौक था, लेकिन यही शौक उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। एक दिन उन पर एक साधु का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्हें श्राप मिला। श्राप के अनुसार भगवान हनुमान अपनी उड़ सकने की शक्तियों को भूल जाएंगे और यह शक्तियाँ तभी वापस लौटेंगी जब कोई इन शक्तियों की याद उन्हें कराएगा। इसीलिए भगवान हनुमान उड़ना भूल गए थे। लेकिन जब माता सीता को लंका से ढूंढ कर लाना था, तब जामवंत द्वारा हनुमान को उनकी देवी शक्तियों का आवास करवाया था। इन शक्तियों द्वारा भगवान हनुमान का आकार आकाश को छूने लगा और वे उड़कर लंका की ओर रवाना हो गए। केवल भगवान हनुमान ही नहीं अपितु उनकी माता को भी श्राप भोगना पड़ा था। मान्यता है कि अंजना जो कि भगवान हनुमान की माता थी और एक मादा वानर भी थी, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार वे एक अप्सरा भी थी। उनका अप्सरा से वानर बन जाने का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप का असर था। एक बार गलती से अंजना द्वारा साधना में मग्न एक ऋषि जो कि वानर वेश में बैठे थे उन पर फल फेंका गया था। अपना तप टूट जाने के क्रोध से उस ऋषि ने अंजना को श्राप दिया कि जब भी उसे किसी से प्रेम होगा वह एक वानरी में बदल जाएगी और अपने अप्सरा के सौंदर्य से वंचित रह जाएगी। इसी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान को एक अप्सरा का पुत्र भी कहा जाता है। भगवान हनुमान न केवल रामायण युग का एक अहम हिस्सा थे बल्कि मान्यता है कि उनके बिना श्री राम कभी भी अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़ा ना पाते। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार नारद द्वारा भगवान विष्णु जिनका सातवां अवतार ही श्री राम थे उन्हें एक श्राप दिया गया था। इस श्राप के अनुसार नारद का कहना था कि भगवान विष्णु एक वानर पर निर्भर हो जाएंगे। रामायण काल में ही इस श्राप का असर साफ साफ देखने को मिला। जब भगवान श्री राम को हर समय हनुमान की आवश्यकता पड़ी, वे हनुमान ही थे जिन्होंने सीता को लंका में खोजा। हनुमान द्वारा ही इतनी बड़ी वानर सेना का निर्माण हुआ और इस सेना के भरोसे श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियां आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।